लास्ट दिन और अपर गेट में भी हुआ कि महीना नहीं हुआ बड़ी गुड़िया बच्चिया सब तेरे से आतंकवाद समाप्त हो ये भारत सरकार की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कोई मुआवजा नहीं होगा जो शहीद साथी करेगा वो पूरी क्षति भी जोड़ देगा बात आप लोगों ने बताई मैं आपको भरोसा देता हूँ कि खुद कर सक जाएंगे पूरे मामले की गहराई से क्या कर इतनी प्रथम और प्रभावी कार्रवाई से सदैव होती जाएगी हम परिवारों को अपना परिवार मान मान करके बताता जो भी करना होगा वो बहुत शीघ्र कर देंगे जो हमारे आदमी परिवार लोग लोग जो भी असरदार रहे थे वो सब अविलंब एक सप्ताह में हम प्रदान करेंगे क्योंकि हरी में मुझे लगता है कि वक्त नहीं है और कोई बात मैं लोक संपर्क परिवार के साथ पूरी तरह खड़ा हूँ पूरा प्रशासन खड़ा है हम और आप उन्हें करते हैं यात्रा से जम्मू कश्मीर करा सकते हैं आधार कार्ड पूछ के बाहर आधार कार्ड और फिर एक हमारा लड़का है यहाँ बाला बालाजी उसकी उसको मुबारक है बाले को किसने फिर अपनी बीडीसी की एक गन निकाली और इसने उनके ऊपर फायर किए वरना पता नहीं 10 20 30 वासी और गिरती इसने उस बीडीसी की गन जो इसके घर में थी उसको लेकर उन्होंने उस पर फायर मारे और फिर वो रात को भागे टाइम उन्होंने वो सेलेक्ट किया कि 5 बजे और 7 बजे के बीच का सात ताकि लोग अभी खाना शाना घर में वो बना रहे होंगे और ये सारी वैशियाना दरिंदगी की है और रात की उन्होंने आईडी लगा के रखी थी जो सुबह बच्चे जो शहीद हुए अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मौके पे पहुंच के अच्छे से सर्चिंग करती तो शायद ये इंसिडेंट ना होता बच्चों के साथ जो आज हुआ ये तो सुबह इनके साथ कैजुअलिटी जगह पे इन बच्चों को क्या सुबह अगर जो अल्फा गेट में सर जो वारदात को अंजाम दिया गया था अगर वहां पे ही इस चीज को रोका जाता सर आज हम ये दिन नहीं करने वाले ठीक तरीके से की जाती आज ये चीजें हमारे सामने ये मंजर हमें ना देखने मिले ये सामने केरी और वीर भद्रेश्वर और उसके पीछे वो पीओ की कसा है ये बायर कोई 7-8 किलोमीटर ही है इससे ज्यादा नहीं ये बहुत कष्ट है सब एकजुट हैं और ये साथ हैं धन्यवाद साल पहले 16 लाशें आई थी साथ में एक सलामी का बल जला लगा हुआ 5 किलोमीटर उसके बाद यहाँ के लड़कों ने ये सारे बोया वॉलेंटरीली बीडीसी की गन्स लेके इन लोगों ने पूरे बॉर्डर की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आर्मी और पुलिस के साथ हमें श्रद्धा दिलबाग सिंह साहब इस बात को जानते हैं यहाँ के लड़कों ने सारा आतंकवाद से जंग लड़ी सब ये सामने केरी और वीर भद्रेश्वर और उसके पीछे वो पीओ की कसा है ये बायर कोई 7-8 किलोमीटर ही है इससे ज्यादा नहीं ये बहुत कष्ट है सब एकजुट हैं और ये साथ हैं धन्यवाद लेकिन लड़ेंगे
कष्ट का समय है इस वक्त कोई है।